वक्त का तो पता ही नहीं चला। पुराने दोस्त मिल बैठते हैं तो ऐसी बातें शुरू हो जाती कि मुझ पर। देखो ना कितना लेट हो गया, 2 बज गए। बच्चे तो सो रहे होंगे ना? हाँ, आप भी जाकर सोइए, बहुत देर हो गई है। गुड नाइट। तिमिर कहाँ गया था? कहाँ से आया है? इसके हाथ में अपनी ही तस्वीर, ये इसके साथ क्या कर रहा है? आपका ये मतलब है कि आप पूरी रात तलाशते रहे फिर भी आपको अभी तक ये नहीं पता कि ध्रुव कहाँ है? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जहाँ भी गए हैं बिना किसी को बताए ही गए हैं। हम उन सभी जगहों की तलाशी कर रहे हैं, वो जहाँ जहाँ जा सकते थे, उनके दोस्तों की जगह, उनके काम की जगह। इस पूरी कार्रवाई में फिलहाल तो वक्त लगेगा, और आपकी जो उनसे आखिरी बातचीत हुई है उसी से शायद हमें थोड़ी बहुत मदद मिल सके। वैसे क्या बात हुई थी आपकी उनसे? आपको बताया तो था कि उसकी आखिरी बात खुशी से हुई थी। खुशी ने उसे संगीत पर जल्दी आने के लिए फोन किया था और उसने कहा था कि वो कुछ जरूरी पेपर्स का इंतजार कर रहा है, वो पेपर्स जैसे आ जाते हैं वो आ जाएगा। अगर ऐसी बात थी तो वो आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं वो शायद ये शादी ही नहीं करना चाहता? क्या आप जानते हैं ध्रुव खुशी को कितना चाहता है? वो अपनी शादी का संगीत क्यों मिस करेगा? वो 1-2 दिन पहले खुशी या हमें बिना बताए कैसे कहां क्यों चला जाएगा? रूम नंबर 17 राजावाड़ी चौल दादर वेस्ट स्टेशन के पास। कल से मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ पर कोई ना कोई वजह बन ही जाती है कि जा ही नहीं पाती। पर अब मुझे जाना ही चाहिए, बस अब फिर से कोई रुकावट ना आ जाए मेरे रास्ते में। कहाँ जा रहे हो? वो एक जरूरी काम था। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे ऋतिक, अच्छा हुआ तुम आ गए। हर शादी के प्लान्स के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो ऋतिक तुम पापा से बात करो, मैं अपना काम अकेले कराती हूँ। दुर्गा याद है ना, आज शाम को मंदिर जाना है, कल शादी है, भगवान से प्रार्थना करनी है और शुक्रिया भी कहना है। ठीक है माँ, मैं आपको मंदिर में मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। खुशी बेटा क्या सोच रहे हो? बेटा परेशान मत हो बेटा, ध्रुव किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, तुम देखना वो जल्दी वापस आ जाएगा। नहीं वो कभी नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रही हो खुशी? मैं ठीक कह रही हूँ मन्ना। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं मम्मी, मैंने बार बार ध्रुव को समझाया था कि वो उस जगह की खुदाई रोक दे, क्योंकि मैं जानती थी उस जगह के साथ कितना खतरा और तबाही जुड़ी हुई है। उस जगह को अतीत के पन्नों में से निकालना ही एक बहुत बड़ी गलती थी। मैंने ध्रुव को समझाया था कि वो उस जगह से दूर रहे, हमें शायद कभी भी पता न चले कि कल रात ध्रुव के साथ क्या हुआ। पर मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि अब हम ध्रुव को कभी भी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं।
देखा उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया, क्या हालत बना दी थी मेरी। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, अच्छा हुआ कि आप इसे यहाँ ले आए। वैसे भी ये जगह बहुत ही सुरक्षित है, यहाँ कोई नहीं आ पाएगा और आपका भेद कोई नहीं जान पाएगा। बहुत ही जल्द इस जगह पर आपका एक छत्र राज्य हो जाएगा। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कल दुर्गा की शादी है, उसके बाद आप इस जगह में हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। बस बस भाई साहब, ये राजावाड़ी चौल कहाँ है बता सकते हैं आप जरा? यस सर। ओके थैंक यू। सत्रह नंबर रूम कहाँ पे होगा? वो यहाँ से ऊपर दो, यहाँ से जाए। अच्छा थैंक्स। यहाँ तक तो आ चुकी हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कि माहिर ने मुझे इस जगह का पता क्यों दिया। शायद कुछ गलतफहमी हुई है। कौन है? एक मिनट अभी आ रही हूँ। दुर्गा अभी तक आई क्यों नहीं? आंटी, आप इस मंदिर में कौन सी पूजा करवाने के लिए आई हैं? हमने मन्नत मांगी थी कि दुर्गा की शादी से पहले हम देवी माँ पर चुंदरी जरूर चढ़ाएंगे। बहुत सालों से दुर्गा के चेहरे पर खुशी देखने की तमन्ना थी, जो अब पूरी हुई है। इसीलिए देवी माँ का दर्शन करने हमने आया है। अब दुर्गा की खुशियों के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। तो जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ वो ही मेरी खुशियों के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। अब किसी भी बुरी नजर का असर दुर्गा पर नहीं हो सकता, पर उसका क्या करूँ जो मेरी नजर देख चुकी है। अब दुर्गा की जिंदगी में खुशियों की, सुख की कभी कोई कमी नहीं होगी। मेरा विश्वास तो टूट चुका है। कहाँ लगे थे? इतना टाइम कहाँ लग गया? कुछ ढूंढते ढूंढते वक्त लग गया, देर हो गई। मेरा मतलब है जो मुझे चाहिए था मिल नहीं रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो अब और देर नहीं करते, आओ पूजा करते। Yeah.
मतलब उसकी शादी नहीं हुई तो कैसी बीवी और कैसी बेटी? साहिल, साहिल, अरे साहिल! दो साल पहले मैंने अपनी बीवी और बच्ची को कार एक्सीडेंट में खो दिया। तुम अकेली हो या किसी और के साथ आ जाओ, मगर ऋत्विक के साथ आ। उसने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? उसे जहर लेने की क्या जरूरत है? जिसकी चिता मैंने इन हाथों से चलाई, तुम उसे कैसे देख सकती हो? वो तो कब की राख हो चुकी होगी। इस काम के लिए उसने मुझे 15,000 रुपए दिए थे, लेकिन 10 अभी भी बाकी है। और अगर वो नहीं मिले ना, तो मैं उस ऋत्विक बख्शी को छोड़ूंगी नहीं। अब क्या पता उसका नाम ऋत्विक बख्शी है भी या नहीं। इतने झूठ बोले गए मुझसे और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। क्यों, मैं क्यों समझ नहीं पाई इस छलावे को? मुझे कोई संकेत तो नजर आता इस धोखे का। मैं आपको यहाँ चेतावनी देना है। चेतावनी? वो झूठ बोल रहा है। कोशिश की थी माहिर ने, कोशिश की थी मुझे चेतावनी देने की। एक बेटा जैसे अपनी माँ का बुरा होते नहीं देख सकता, वैसे ही माहिर ने मुझे इस धोखे से बचाने की कोशिश की थी, पर मैं ही समझ नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? कल शादी है, क्या करूं? सच बता दूं और सबका दिल तोड़ दूं, या चुपचाप एक धोखेबाज इंसान के साथ शादी कर लूं? क्या उस इंसान के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने की कसमें खा लूं? जो छूटा है, जिसने मुझसे विश्वासघात किया है, और हो सकता है वो हत्यारा भी है। पता लगा रहे, पता लगा रहे, फिर वही बात। हमने तो सारे कुलीग्स के एड्रेसेस भी दे दिए, फिर भी वहां से कोई जानकारी नहीं मिली। पर कहां गायब हो सकता है? हवा तो नहीं खा गई उसे? खुशी बेटा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोल बेटा, सबसे आखिर में उसने तुझसे ही बात की थी, कुछ तो बोला होगा, कुछ तो कहा होगा। हाँ, कहा था। क्या बताया था खुशी? क्या उसने मुझे जो बात बताई वो वही बात थी जिसका मुझे डर था? ध्रुव ने मुझे बताया था कि वो मम्मी जो हमें उस इमारत में मिली थी, उसके बारे में उसे कोई जानकारी मिलने वाली है। वो जानकारी जो उसे कभी हासिल नहीं करनी चाहिए थी। काश, काश ध्रुव ने मेरी बात मान ली होती। खुशी, तो कब से एक ही बात कहे जा रही है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। मानने की अगर वो वहां चला भी गया तो कहां गायब हो गया, बता? नहीं जानती, अक्सर मुझे आने वाले तूफानों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन इस बार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी से कहा भी था कि वो ध्रुव से बात करे, उसे समझाए कि वो उस जगह से दूर रहे, पर बेटा, जब उसने तुम्हारी नहीं मानी तो मेरे क्या मानता? मैं ध्रुव को अच्छी तरह जानता हूं। वो अपना ध्येय प्राप्त किए बगैर आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, और उसने अपनी मंजिल पा भी ली थी। और इसी तरह वो उस इमारत की गहराई में जाना चाहता था, उसके अंदर छुपे राज जानना चाहता था, और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं। ये दोनों ही बातें नहीं होनी चाहिए थी, ना ही हमारी शादी और ना ही उस जगह का भेद। नहीं जानती किस्मत ने मेरे साथ क्या खेल खेला है। क्या ये भेद कभी खुल पाएगा, या ये ऐसे ही बना रहेगा? क्या होगा, क्या?
अब कोई राज नहीं रह गया। ऋत्विक की सारी सच्चाई मेरे सामने है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ घंटे बाद मेरी शादी ऋत्विक के साथ होने वाली है, जिसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मेरे परिवार की सारी खुशियां इसी शादी से जुड़ी हुई है, जबकि सिर्फ मैं जानती हूं कि ऋत्विक झूठा है। मेरे परिवार का हर सदस्य ऋत्विक से प्यार करता है, भरोसा करता है। मेरे बच्चे उसे चाहते हैं। मुझे ये तो नहीं मालूम उसने मुझे धोखा क्यों दिया, मगर ये मालूम है कि उसने मेरे परिवार की खुशियां लौटाई हैं। उसके आने से मेरा घर फिर से आबाद हो गया है, मगर इसके बावजूद जो मुझे पता चला है उसके बाद भी क्या मुझे चुप रहना चाहिए? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे अभी मम्मी पापा से बात कर लेनी चाहिए।